सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हरियागंज पिपरा थाना क्षेत्र के चपरवार एनएच 98 किनारे स्थित गोविंद कंस्ट्रक्शन क्रशर प्लांट में बुधवार की सुबह करंट की चपेट में आकर बभंडी गांव के निकेश कुमार 21 वर्षीय की मौत हो गई। मृतक रामचंद्र साव का पुत्र था। इसकी सूचना मिलते ही मृतक के गांव के लोग उनके परिजन के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग करने लगे। वह मांग को लेकर एनएच 98 को जाम कर दिया। जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद हरियरगंज पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दीपक कुमार, पिपरा थाना प्रभारी अभिजीत गौतम, छतरपुर एएसआई अशोक कुमार सिंह दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस अधिकारियों तथा बसपा नेता लव कुमार मेहता के प्रयास से क्रशर प्रबंधक द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर करीब 5 घंटा के बाद जाम हटा। जानकारी के अनुसार मृतक डेकोरेशन का काम करता था। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर उसे उक्त क्रेशर प्लांट में सजावट की जिम्मेवारी दी गई थी। सजावट करने के दौरान लोहे के खंभे में प्लांट के डीजी जनरेटर से प्रवाहित करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गिर गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक की माता पिता सहित परिवार के लोग घटनास्थल आकर चित्कार करने लगे। बाद में जाम हटने के बाद इन सभी को समझा बुझा कर भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हरियरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट।